नमस्ते, मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वेदास इंस्टीट्यूट कोलकाता पे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके, साथ ही ये समझेंगे कि ये जो टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ये किस एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स सिंपली आईएएस के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीएससी मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन पेपर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर 5 में 100 मार्क्स का पॉलिटी और 100 मार्क्स का इकोनॉमी या फिर कहिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2014 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, 1 गुजराती, 2 कन्नड़, 3 तेलुगु, विच ऑफ द अबव हैज और हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए 1 and 2 only, options B 3 only, options C 2 and 3 only, options D 1, 2 and 3. आपका आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3 only. ये जो तीन लैंग्वेज देख रहे हैं, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, इन तीनों में से कन्नड़ और तेलुगु जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन कह रहा है, Which one of the following was given classical language status recently? आपके options हैं, options A उड़िया, options B कोंकणी, options C भोजपुरी, options D असमीज। तो आपका answer जो है options A उड़िया। Student, तो हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में, कितने सारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, या फिर कहिए कि क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, तो अब हम क्राइटेरिया समझेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है तो उस लैंग्वेज के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलेगा। तो चलिए समझते हैं। In 2004, the government of India declared that languages that meet certain requirements could be accorded the status of a classical language in India. तो कह रहे हैं कि 2004 साल में government of India declare करता है कि किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज अगर स्टेटस दिया जाता है तो उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो कि यहां पे मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 इयर्स। तो सिंपली समझिए कि किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा रहा है तो उनके जो टेक्स्ट हैं या रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसका उम्र जो है वो 1500 टू 2000 इयर्स होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट्स व्हिच इज कंसीडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर। तो जिस भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा रहा है उस लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं उनके लिए वो जो एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट उनका रिकॉर्डेड है वो वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। सिंपली इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत समय आप देखे होंगे न्यूज में कि बंगाली को या मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस का एक डिमांड होता है। तो क्या क्या कह रहा है कि कह रहा है द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए अगर बंगाली लैंग्वेज को लेते हैं तो बंगाली का ओरिजिन जो है वो मगही है और मगही का जो ओरिजिन है वो संस्कृत है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, न कि बोरोड होना चाहिए।
पॉइंट नंबर फोर, द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर मे ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट या फिर कहिए कि ब्रांच। तो कह रहा है कि कोई भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उसके आज के जो लिटरेचर है उससे पुराना लिटरेचर जो है वो अलग होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कितने सारे लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। तो ये जो है, ये सारे के सारे जो लैंग्वेजेस हैं इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और दिस साइड ईयर मेंशन किया गया है। इस ईयर में इन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014। तो हमने देखा कि इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, टोटल अगर देखते हैं तो 6 लैंग्वेज को इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स। स्टूडेंट, तो अब हम समझेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। तो कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजुलेशन स्टेट्स दैट द फॉलोइंग बेनिफिट्स विल अक्रू टू अ लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो क्या बेनिफिट्स है, तो वो यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट वन, टू मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ इमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस टू बी अवार्डेड एनुअली। तो कह रहा है कि किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उनके जो स्कॉलर होते हैं उनको एनुअली टू इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी सेट अप। तो जिस भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उस लैंग्वेज के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विल बी रिक्वेस्टेड टू क्रिएट एंड टू स्टार्ट विद एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अ सर्टन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस फॉर स्कॉलर्स ऑफ इमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। तो सिंपली समझते हैं, कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाइए, उस डिपार्टमेंट में कुछ प्रोफेशनल होने चाहिए और कुछ स्कॉलर्स होने चाहिए जो उस लैंग्वेज के जानकार हैं। डियर स्टूडेंट, तो हमने ये जो डिस्कशन है क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इसे कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।